नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, कहते हैं ना कि लक्ष्मी जी बड़ी चंचल होती हैं, उन्हें बहुत संभाल के रखने की बात कही जाती है। क्या अदानी समूह से लक्ष्मी जी दूर जा रही हैं? शेयर बाजार में जो कत्लेआम मचा हुआ है उसको देख करके यही दिखाई दे रहा है। ये पूरी वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत जानकारी परक है। आप पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी नया अपडेट हो वो मैं आप तक दे सकूँ। तो दोस्तों, अडानी समूह के शेयर इस समय धड़ाम पड़े हैं, शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। यूँ कहिए कि सबसे अमीर जो व्यक्तियों की एक सूची है, जो लिस्ट है, उसमें गौतम अडानी नीचे खिसक के आ गए हैं। और इतनी ही बात नहीं है, वो अमीर लोग जो हैं, जो 10 टॉप की एक टॉप 10 की एक लिस्ट बनी हुई है, उससे भी बाहर हो गए हैं। और ये जो चर्चा है इस समय, आप अगर मार्केट में निकल जाएं तो हर शख्स की जुबान पे यही चर्चा है, क्योंकि शेयर बाजार के मार्केट में एक अजीब सी अफरा तफरी मची हुई है। अब सवाल ये है कि कागज के चंद टुकड़ों में क्या इतनी ताकत होती है कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों की कतार में खड़े व्यक्ति को एकदम धकेल के पीछे कर दे। ये जो इस समय चल रहा है उससे ऐसा ही दिखाई दे रहा है। कारोबार और शेयर बाजार की दुनिया की मौजूदा जो तस्वीर है उसे देख करके ये कहा जा सकता है कि इस वक्त शेयर बाजार किसी कत्लेआम के मैदान की तरह बन चुका है, जहाँ पे अफरा तफरी मची हुई है। और पिछले 5 दिनों से शेयर बाजार में बुरी तरह से उठापटक मची हुई है। और सबसे बड़ी जो बात है, जो ध्यान देने की बात है, वो ये है कि अडानी समूह के तमाम कंपनियों के शेयर औंधे मुंह गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग देख रहे हैं, लोगों की नज़रें इस समय शेयर इंडेक्स पे हैं। 60,000 करोड़ आप देखिए कि इसमें कितने जीरो लगे होते हैं, आप खुद देखिएगा। मैं खुद नहीं अपने दिमाग को आपके साथ कनेक्ट करके ये कहना चाह रही हूँ कि 60,000 करोड़ की जो रकम है वो अदानी ग्रुप इस समय गंवा चुका है। उनकी शेयरों के भाव करीब 29% से ज़्यादा गिर चुके हैं, टूट चुके हैं। अच्छा, जो हम रोज़ खबरों की बात तो करते हैं, लेकिन इस तरीके की जो बातों के, घटनाओं के जो जानकार होते हैं, यानी कि जिन्हें हम आर्थिक मामलों के जानकार कहते हैं, उनकी माने तो ये बेहद चैलेंजिंग और खतरनाक समय है, जब छोटे और मझोले निवेशक बाजार की इस बेवक्त की कहना चाहिए तूफान से सहमे हुए हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि जो शेयर अभी तक कमाई करवा रहे थे वो अचानक से कंगाल करवा रहे हैं लोगों को। लोगों के दिलों की जो धड़कनें हैं वो बढ़ रही हैं। अब एक बात आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि क्या ये सब कुछ अमेरिकी फाइनेंस कंपनियां लाइक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का असर है, या फिर इसके पीछे कोई एक बड़ी प्लानिंग है जिसने पूरे बाजार में कत्लेआम मचा रखा है। देखते ही देखते निवेशकों के लाखों रुपए मिट्टी में मिल चुके हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 24 जनवरी को आई थी, यानी कि आज 31 जनवरी है, तो 24 जनवरी को ये रिपोर्ट आई और उसके आने के बाद अडानी ग्रुप की तमाम कंपनियों के शेयर धड़ाम हो गए। यही नहीं, देखते ही देखते गौतम अडानी भी दुनिया के अमीर लोगों की सूची में से 3rd स्थान से खिसक के अब टॉप 10 की सूची से बाहर आ चुके हैं।
इसी बीच एक और टकराव देखा जा रहा है। हिंडनबर्ग ने अपने 85 सवालों के साथ अडानी ग्रुप को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जो उनके सवाल हैं उनके साथ, और इल्जाम लगा दिए हैं। अडानी ग्रुप की तरफ से पूरे 413 पन्नों का एक जवाब लिखा गया है। पलटवार करते हुए अडानी समूह की तरफ से हिंडनबर्ग को ये एक चेतावनी दी गई है कि वो किसी गहरी साजिश के तहत ऐसा कर रहे हैं, जबकि उनकी तैयार की गई रिपोर्ट न सिर्फ भ्रामक है बल्कि तथ्यों से परे और एक तरफा है। ये जो पलटवार किया है अडानी ग्रुप की तरफ से वो ये है। उनका ये भी कहना है कि जो किसी साजिश के तहत उन्हें बदनाम किया जा रहा है, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ये एक तरह से भारत की आर्थिक विकास की जो एक कहना चाहिए कि एक इबारत है, उस पे ये हमला किया जा रहा है। लेकिन हिंडनबर्ग कंपनी की तरफ से अडानी समूह के जवाब के बदले जो कहा गया है वो भी काफी हैरान और परेशान करने वाला है। उसने तो शेयर बाजार में कहिए कि पूरा एक झाड़ू लगा दिया है। हिंडनबर्ग की तरफ से अडानी ग्रुप को कहा गया है कि अपनी धोखाधड़ी को वो किसी राष्ट्रवाद के झंडे के पीछे नहीं छिपा सकते हैं। देखते ही देखते 24 घंटे के भीतर ही अडानी समूह की करीब 1.5 लाख करोड़ की दौलत खाक हो गई है। हालांकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की टाइमिंग को लेकर के कुछ सवाल जरूर उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अडानी समूह एक एफपीओ ला रहा है, जिससे उसने बाजार में 20,000 करोड़ उगाहने की योजना की बनाई थी। लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ये जो एक प्लानिंग थी एफपीओ की वो बेकार हो गई, उसको फिलहाल टालना पड़ रहा है। ऐसे ही सवालों में खड़ा होता है एक और सवाल कि क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का आना, अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों का इस तरीके से टूटना, क्या किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है? कहीं इसके पीछे कोई सोचा समझा खेल तो काम नहीं कर रहा है? उसमें कहीं किसी का मोटा मुनाफा कमाने का गेम तो नहीं बन रहा है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी मीडिया में जो खबरें इस समय छप रही हैं उन पे अगर हम यकीन करें तो खुद हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट के साथ ये भी खुलासा किया था कि अडानी समूह के शेयरों में शॉर्ट पोजीशन ले रखी है। एक अमेरिकी इन्वेस्टमेंट कंपनी की घोषणा के मुताबिक हिंडनबर्ग की कंपनी असल में एक बेयरर है जिसका धंधा है शॉर्ट सेलिंग का। ये कंपनी बाजार की गिरावट में अपना फायदा ढूंढ लेती है, यानी कि वो शेयर को पहले बेच देते हैं। जो शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे कि वो शेयर को पहले बेच देता है और जब दाम गिरते हैं तो वो खरीदता है। तो ये जो मौका बनाया जा रहा है ना शेयर बाजार के गिरने का, तो इसके बाद ये भी एक साजिश का हिस्सा माना जा रहा है कि अडानी ग्रुप के शेयर में तेज गिरावट के पीछे इस कंपनी की साजिश तो नहीं है कहीं? और वैसे भी जो इस बाजार में लगे होते हैं उनका ये पूरा जो धंधा है ना, ये इमोशन और सेंटिमेंट पे टिका होता है। यानी कि इमोशन और सेंटिमेंट इसलिए कह रही हूं कि जब कोई स्पीड होती है ना, स्पीड गेम होती है, तो उसकी स्पीड से आपके दिल की धड़कनें तेज होती हैं, और अगर इस स्पीड में कोई धड़ाम हो जाए तो आपकी धड़कनों पे भी इसका असर होना लाजमी है। ये खेद हिंडनबर्ग कंपनी का दावा है। खुद